इन दिनों कोरोना काल में कई संस्था आगे आकर जनहित कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि पिछले 15 माह से देश क्या दुनिया जूझ रही है और लड़ रही है इस पैंडेमिक से। खैर, आज सोशल फोर कोच करते हमें अरुणा, केरन और जुम्मना, जो 1500 से ज़्यादा वड़ा पाव बनाना और वाटर बोतल ने वितरण करते नजर आए। मुंबई के कांदिवली स्थित लिंक रोड पर वितरण संपन्न हुआ। आपको बता दें कि अरुणा, जुम्मना और केरन अक्सर समाज सेवा करती ही नजर आते हैं। आज भी आपको ले चलते हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोगों के पास कुछ नहीं है, डिप्रेशन में है, काम नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाना नहीं है, तो हमने सोचा ये छोटी सी एक मदद कर देते हैं। यहाँ पे हम लेके आए हैं, एटलीस्ट 1000 लोगों के लिए लेके आए हैं, पावड़ा लाए हैं, केला लाए हैं और पानी लाए हैं। ये छोटी सी भेंट है और इनसे इनको खुशी मिलेगी, और क्या चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग, हम लोग फैशन शो करते थे साथ में, वॉक फॉर अ कॉज। आज हम लोग वर्क फॉर अ कॉज कर रहे हैं, मैं भी और जुमाना, कैरन, हम ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने बोला कि हम लोग भी सब साथ में करेंगे, तो मैंने बोला ठीक है। तो हम अपना अपना करते हैं साथ में, और हमें खुशी होती है जब हम ऐसे चैरिटी वर्क करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं नॉर्मली जहाँ जाती हूँ ना, सेल्फी खोल के सीधा सेल्फी लेती हूँ। लाइक मेरे को लोग सेल्फी क्वीन के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं अपना सेल्फी क्वीन फाउंडेशन ही रख देती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे सेल्फी क्वीन बोलते हैं। तो आज का दिन हम लोग ने एक हफ्ते पहले से ही प्लान किया था कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे वड़ा पाव, पानी और बनाना देंगे बच्चों को और गरीबों, या ये जो स्लम एरिया है कांदिवली लिंक रोड पे, तो ये काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है। तो यहाँ पे आज हम लोग ने 1000 तक या 1000 से ज़्यादा, जो 1100-1200 तक भी जाएगा, जितना हो सकेगा उतना आज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बस
आगे चाहेंगे तो आगे और नेक्स्ट कोई एरिया में स्लम एरिया देख के हम लोग बांटेंगे कुछ और डिसाइड करके। हाँ, आज मेरे हस्बैंड आए हैं और आज उनका पूरा सपोर्ट है मुझे, क्योंकि एक हफ्ते से वो खुद इतनी तैयारी कर रहे हैं और आज ये सब अरेंज उन्होंने ही करवाया, वड़ा पाव ये सब बनवाया किसी से और बनाना ये पानी का सब अरेंज कर ही वो आज आए हैं। हेलो सर, क्या कहना चाहोगे सर, आज ये कार्य हो रहा है वड़ा पाव पे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हर बार ही करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आई विल डू मोर। जहाँ जहाँ हमको मिल जाएगा, जहाँ आदमियों को ज़रूरत है उनको हमें बांटना चाहिए। आज हम ये बात करें, केला बांट रहे, पानी और दो दो वड़ा पाव, 1000 आदमी का। आज के कार्यक्रम में यही कहेंगे कि बस हम लोग रोज़ का अभी ये हो गया कि वी कीप हेल्पिंग, वी कीप डूइंग, और जोड़ते जाओ और लोग करते जाइए ये सब, खाना पीना ग्रोसरीज जो भी है जितना कर सकते हो आप लोग सब फॉरवर्ड आइए, करिए अपने एरिया में, अपने बिल्डिंग्स में, कोई भी स्लम एरिया में। सो इट इज़ बिकम लाइक अ डेली थिंग, वी कीप डूइंग इट, सो इट्स अ गुड थिंग। एंड आई थिंक ये सब देख कर काफ़ी लोग देख कर आगे भी आए हैं और खुद करने लगे हैं, सो दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल दैट वी हैव सेट टू एवरीबडी।